हेलो, नमस्ते जी। कैसे हैं सब? आशा करती हूँ सब अच्छे होंगे। और आज हम जो बनाने जा रहे हैं प्रोजेक्ट, आपने शुरू में देख ही लिए हैं ये मैंने कैसे बनाए। चलो मैं आपको दिखाती हूँ। और आज से ना मैं कबाड़ी वाली होने वाली हूँ। थोड़े दिन में लोग मुझे ना कबाड़ी वाली कहने लग जाएंगे, क्योंकि ना मैं अपने तो अपने घर में, दूसरों के घर में भी कबाड़ नहीं छोड़ती। ये जहाँ से हम दूध लाते हैं ना, उन भैया के यहाँ पे ये बांस का काम करवाया उन्होंने कुछ, तो उनके यहाँ ये टुकड़े पड़े थे बांस के, तो मैं उनसे ये ले आई हूँ। मैंने पूछा आपको कुछ करना है, कह रहे नहीं, तो मैं कहा मेरे को दे दो, मेरे को कुछ बनाना है, तो उन्होंने दे दिए हैं। और देखो ये मैं इनमें से जो मैंने अभी निशान लगाए, इनमें से इसके पीस काट के अलग कर लूंगी। मतलब जो नोट एरिया होता है ना, इसका नोट एरिया उसके पास से काटना है इसको, ताकि हम इसमें प्लांट लगाएं। इसमें आप रियल प्लांट भी लगा सकते हैं और आर्टिफिशियल भी लगा सकते हैं, जैसी आपकी इच्छा हो आप वैसा प्लांट इसमें लगा सकते हैं। और मैं इसका जितना भी वेस्ट हिस्सा निकलेगा और जो मतलब नोड वाला निकलेगा, सब यूज करूँगी। अभी आप देखते रहिए, जैसे अभी मेरा ये एक उधर भी इसमें नोड है, इधर भी एक प्लांट कट गया, ये दूसरा कट रहा है अब तो ये। और मेरे पास ये एक कटर है, ये वाकई में बहुत काम की चीज़ है तो खतरनाक काम, क्योंकि अगर जरा सा भी आपका हाथ हिल गया ना, तो बस फिर नहीं तो ये वो है कि काम ही तमाम कर देगा ये बिल्कुल। लेकिन है बहुत काम की चीज़, अगर आप सावधानी पूर्वक चलाते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है। अब जैसे मैंने ये काट के तैयार कर लिए हैं, तो इनमें हमें प्लांट लगाने हैं, तो किस तरह लगाएंगे, हमें हैंग करना है इन्हें, तो ये मैं इन पे निशान बना रही हूँ। इन्हें हमें थोड़ा सा बीच में से भी काटना पड़ेगा, जहाँ हम इनमें प्लांट लगा सकें। तो सब पे मैं पेन से निशान बना रही हूँ इस तरह। और देखो अभी इनका, जहाँ हम इनमें प्लांट लगाएंगे, वैसे मैं इन्हें लंबाई में भी थोड़ा सा काट दूंगी। और अगर आप ये काम करना चाहते हैं तो प्लीज़ बहुत सावधानी पूर्वक करें, और नहीं तो आप किसी से करवा लें, जो मतलब दुकान वाले होते हैं, अपना बांस अगर आपके पास है तो वहाँ ले जाए, वो आपको कट करके दे देंगे, 10-20 रुपये लेंगे, क्योंकि रिस्क ना लें। तो इस तरह हमारा ये प्लांटर बन के तैयार होगा। तो मैंने ये सारे ही इस तरह करने हैं तैयार, और मैं इन्हें सारों को तैयार करके, देखो हालत देख लो कैसी हो गई है मेरी। अब बस ये लास्ट बचा है, बाकी सब तो हो गए हैं, इसे भी कट कर लेती हूँ। देखो हालत, और ये देखो इधर सारे काट के तैयार कर लिए, अभी दिखाती हूँ आपको। देखो 1, 2, 3, और ये बड़े वाला 4, और 4 ये इनके इस तरह वाले बन गए, इनमें भी लगा दूंगी प्लांट तो अब। और ये सारा गंदगी, और ये इसने बड़ी मदद करी है, ये बड़ी अच्छी चीज़ है, मैं आपको दिखाती हूँ। देखो कट मैंने रात को ही कर लेते, अब ये नेक्स्ट डे है, तो मैं काम वाम खत्म करके बैठ गई हूँ। अब इनको मैं, मुझे पेंट करना है सबको, क्योंकि पेंट को कम सूखने में कम से कम है 6-7 घंटे लगेंगे, तो मैं इसको पेंट करके छोड़ दूंगी। और अभी 11:30 के आसपास का टाइम हो रहा है, सुबह रेनू काम करके चली गई है, तो उसके बाद मैंने ये यहाँ पे पेपर बिछा लिए, इन सबको पेंट करके रख दूंगी, ताकि सूखने का टाइम मिल जाए। और पेंट करने के बाद मैंने काफी तेज पंखा चला दिया था कि जल्दी सूख जाए, क्योंकि बाहर तो मौसम खराब है बहुत। और अभी ये सूख के तैयार हो गए हैं, जो इनके टुकड़े थे ना, वो भी मैंने पेंट करके रख दिए हैं। और अब मैं इन पे, जब ये सूख गए हैं, तो अदर कलर से इन पे डिजाइन बना रही हूँ, देख सकते हैं आप, ये ब्लू कलर से बना रही हूँ, एक रेड से बनाऊंगी, और एक बनाऊंगी मैं एक्वा ग्रीन कलर से। ये मैंने सब कलर यही रख रखे हैं, और इसके लिए मुझे एक भी पैसा खर्च नहीं करना पड़ा, मैंने बाहर से कुछ भी नहीं लिया है। बांस मैं भैया से लेके आई हूँ, और ये कलर पायल के हैं सारे, जो मेरे घर में हमेशा ही रहते हैं। और जो मैंने इन पे वाइट पेंट किया है, ये जब हमारे यहाँ 1.5 साल पहले पुताई हुई थी, तभी का पेंट बचा हुआ है। मैं जहाँ भी किसी भी चीज़ पे इसको करती हूँ, यही यूज होता है, अभी ये ख़त्म नहीं हुआ है, बहुत सारा अभी भी बचा हुआ है। तो ये अब इस पे मैं थोड़े से गुलाब के फ्लावर बना रही हूँ। और ये बिल्कुल सस्ता डेकोर आइटम है, आप मतलब इसको बनाइए और अपना घर सजाइए।
अब मुझे बहुत अच्छी पेंटिंग नहीं आती, मैं आपको बताऊं, बस मैं ऐसे ही बना रही हूं कि ये खाली ना दिखे, थोड़े से ठीक ठीक से दिखे। और ये एक्वा ग्रीन कलर से मैं थोड़ा सा ऐसा पैटर्न बना रही हूं कि चार लाइनें ऐसे और चार ऐसे। इस पर मैंने कुछ ज्यादा डिजाइन नहीं बनाया है, बस सिंपल सी लाइनें ऐसे ही ड्रॉ कर दी है, लेकिन ये बहुत प्यारा लग रहा था, डिफरेंट कलर था एकदम। और ये भी बन के तैयार हो गया है, और अब मैं इन पे भी थोड़ा थोड़ा सा डिजाइन बना दूंगी सभी पे, जो इनके टुकड़े हैं। इनमें मैंने कोई शेप नहीं दी है, ना ही कोई ड्रिल किया है, और ये इन सब में मेरे को रस्सी डालने के लिए ड्रिल करना है, तो वो मैं ड्रिल कर रही हूँ। पहले मैं करना भूल गई थी, और नीचे मैंने कपड़ा बिछा रखा है क्योंकि गोल है ये, कभी फिसल जाए। और देखो इतना मुश्किल से ड्रिल हुआ, इनमें धुआं उठ रहा था इसमें, क्योंकि बांस है ना और थोड़ा टाइट भी होता है, लेकिन फिर भी मैंने ऊपर से पैर रख लिया था और नीचे कपड़ा बिछा लिया था मोटा सूती, ताकि दिक्कत ना हो और ये फिसले ना और चोट भी ना लगे। और ड्रिल मशीन भी मेरी ही है, घर में है मेरे, तो इसलिए मुझे आसानी हो जाती है काम करने में। ये काफी पहले से है, बहुत सालों से हमारे पास। तो आपको मुझे इनमें एक ही मैंने दिखाया आपको, सारों में इसी तरह से होल बनाने हैं रस्सी डालने के लिए। इस दोनों तरफ मैंने बना लिए हैं इसमें, तो अभी मैंने चारों में इनमें होल कर लिए हैं। तो मैंने मोमबत्ती जला के रख रखी है, क्योंकि रस्सी के किनारे को थोड़ा सा शार्प करके रस्सी से, जैसे प्लास्टिक है जला लेंगे तो थोड़ा सा मतलब नुकीला हो जाता है वो, थोड़ा चिपका चिपक जाता है, तो आसानी से इसमें डल जाएगा। तो अभी मैंने सारे ऐसे करके इनमें चारों में रस्सी डाल के, और अंदर से इनमें एक नोट लगा दूंगी, तो उससे रस्सी बाहर नहीं आएगी। चाहे तो आप सुतली भी लगा सकते हैं, कोई नाड़ा। और ये रस्सी भी मैं खरीद के नहीं लाई हूँ, मेरे पास पड़ी थी पहले से, इसीलिए ये अलग कलर की है, वरना पहले मैंने ये सोचा था कि मैं इसमें व्हाइट कलर की रस्सी लगाऊंगी। तो अब ये मेरे प्लांटर बिल्कुल बन के तैयार है, मैं आपको दिखा रही हूँ लगा के। मुझे इन्हें यहाँ नहीं लगाना था, मैंने ये गार्डन के लिए बनाए हैं, लेकिन अभी 2-3 दिन से बारिश बहुत हो रही है, गार्डन में अभी बाहर कील भी लगी हुई नहीं है, मतलब पेच लगे हुए नहीं है, तो वहाँ मुझे लगवाने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे फोटो फ्रेम लगे हुए थे, तो मैंने वो हटा के अब बस आपको दिखाने के लिए यहाँ पे लगाए हैं। और अभी मैंने इनमें आर्टिफिशियल प्लांट लगाए हैं, वैसे मैं इनमें ओरिजिनल प्लांट लगाऊंगी। आप आर्टिफिशियल लगा लें, ओरिजिनल लगा लें, भाई ये है आपको अंदर रखना है, धूप नहीं आती है, तो आप आर्टिफिशियल लगा लें, आर्टिफिशियल से भी ये बहुत सुंदर लग रहे हैं। और देख सकते हैं आप प्लांट रखते ही कितना ग्लो आ गया इनमें। और ये वो वाली बेल है जो शीशे के पास टंगी रहती है मेरे रूम में, तो ये मैंने फिलहाल इसमें रख दी है, ये एक बंच सा बन गया है, जैसे फ्लावर बंच होता है, और बड़ा ही प्यारा लग रहा है। और आपको कैसी लगी वीडियो ये जरूर बताना, और अगर वीडियो में कुछ भी थोड़ा सा भी पसंद आता है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर किया करें। इससे मुझे पता लगता है कि आपको अच्छी लग रही है, तो मुझे नेक्स्ट वीडियो के लिए ना थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। देखो कितना प्यारा लग रहा है ये सेकंड है। अब आपको इनके डिजाइन थोड़े अच्छे से दिखाई देंगे। ये थर्ड है, और ये पायल ने बनाया है डिजाइन इस पे, और फिलहाल मुझसे ये उल्टा लग गया था, पूरा डिजाइन परली साइड है इसका। और ये वाला तो आपने मेरे को देखा है बनाते हुए। और इस प्रोजेक्ट को बनाने में मेरे को ना 3 दिन लगे, थोड़ा थोड़ा काम, क्योंकि पेंट को सूखने में टाइम लगता है, तो इसलिए थोड़ा थोड़ा करके 3 दिन में मैं इसको कंप्लीट कर पाई। एक मौसम थोड़ा ऐसा हो रहा है कि काम थोड़ा, मतलब पेंट वगैरह जो भी कर रहे हैं वो सूख नहीं पा रहा है जल्दी से। हमें लगा के हटी थी तो पायल आई है देखने कि कोई, और पायल ने अपना वो प्लांटर जो मैंने दिखाया था अभी आपको, डिजाइन उसका उल्टा और था, वो सीधा कर दिया है इस साइड से, उसका डिजाइन सीधा। अरे ये व्यू मैं आपको ऊपर से दिखा रही हूँ, ये सीढ़ियों में लगाया, तो मैं ऊपर वाली सीढ़ियों पे खड़ी थी, वहाँ से आपको दिखा रही हूँ, तो सीढ़ियों का लुक एकदम चेंज हो गया है, बहुत ही सुंदर लग रही है, ग्रीनरी ऐड हो गई है, तो बहुत ही प्यारा लुक आ रहा है। अब मेरा मन कर रहा है कि मैं इन्हें यहीं लगा दूँ, इनमें मनी प्लांट वगैरह लगा के, और
और बहुत ही प्यारा सा लुक निकल के आ रहा है। आप मुझे ज़रूर बताना कि आपको कैसे लगे। और ये चारों वो वाले पीस है जो इनके किनारे कट के निकले थे, ये मैंने यहाँ पे डेकोर कर दिए हैं। कितने प्यारे लग रहे हैं लव बर्ड्स। और अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं कि आपको कैसा लगा। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वीडियो मिलती रहे, और घंटी को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी वीडियो आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं फिर नई वीडियो के साथ, तब तक खुश रहिए, मस्त रहिए, राधे राधे। और बाय बाय फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं।